आकांक्षा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, जो कुछ भी तुमने किया है, वो बहुत गलत किया बेटा, बहुत गलत किया। इस तरीके से टूटना नहीं चाहिए था बच्चे। मुझे याद है कि एक निर्माता के रूप में मैंने जब पहली फिल्म बनाई थी ना, कसम पैदा करने वाली पार्ट टू, तो उसकी हीरोइन तुम्हें ली थी। तुम्हारी भी वो पहली फिल्म थी बेटा। इतना डेडिकेशन मैंने तुम्हारे अंदर देखा था, वो बहुत कम एक्ट्रेस के अंदर दिखता है। मेरे साथ तुमने मिट्टी फिल्म भी की है बेटा, अभी हाल ही में, अभी तो रिलीज भी नहीं हुई है। अभी 2 महीने पहले तो तुम मेरे सेट पे आई थी वकील साहब के, मुझे बोली कि सर मुझे काम चाहिए, एल्बम इंडस्ट्री से परेशान हो गए हूं, बहुत तकलीफ में हूं, मुझे काम दीजिए। और मैंने तुमसे कहा था कि बेटा मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुमसे वादा करता हूं 3-4 फिल्में तुमको दिलवाऊंगा साल में। और आज ये 2 महीने बाद क्या देख रहा हूं बेटा, तुम हमारे बीच में नहीं हो। क्यों क्यों ऐसी क्या तकलीफें हो जाती हैं यार? तुम सिर्फ अकेली परेशान नहीं थी बेटा, तकलीफें तो बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ देते हैं, लेकिन उसकी वजह से खुद को खत्म कर लेना उसका हल नहीं है। पता है तुम बहुत परेशान थी, लेकिन इतना परेशान हो जाना कि खुद को खत्म कर लेना, ये अच्छा नहीं है बेटा। मुझे भी इस इंडस्ट्री वालों ने बहुत परेशान किया। हम जब मंच पे आते हैं तो बोलते हैं कि मैं फलाना, मैं ढिमकाना। हम इंडस्ट्री वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिलकर रहते हैं, घंटा रहते हैं हम लोग घंटा रहते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल करके। अगर घुल मिल करके रहते तो आकांक्षा दुबे आत्महत्या नहीं की होती, या उसके साथ ये सब नहीं हुआ होता। सच तो यह कि साला हम सिर्फ अपना देखते हैं, दूसरे का देखते ही नहीं है। बहुत ना जख्म लेकर के सीने में चलता हूं मैं, आपने खोलना चाहूं मैं आकर के ना, तो बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे। जब बड़े बड़े एक्टर मेरा नाम कटवाते थे अपनी फिल्मों से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बुला करके बोलते थे कि ये रोल आप कर रहे हैं यश जी, ये रोल फलाना कर रहे हैं, और पता चलता था कि फलाना ने मेरे को इस फिल्म से निकलवा दिया, फलाना एक्टर को रखवा दिया, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूं। तो एक्सक्यूज दिया जाता था, बहुत अच्छा एक्टर है, हमारे पे भारी पड़ जाएगा, ये सिंगर नहीं है, सिंगर लेकर के आइए। तो ये सारे जख्म लेकर के यश कुमार रोता था अपने घर में बैठ करके, लेकिन लड़ा मैं समाज से, लड़ा मैं इस इंडस्ट्री वालों से। मुझे आज भी याद है, छत्तीसगढ़ में मैं शूटिंग कर रहा था, एक निर्माता एक निर्देशक शूटिंग कर रहे थे, हीरो के घर से फोन जाता है कि यश कुमार के गाने क्यों शूट हो रहे हैं, यश कुमार के सीन क्यों शूट हो रहे हैं। ये सब झेला है यश कुमार ने, लेकिन सबको मुस्कुरा करके जवाब दिया। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बस एक ही बात चलती थी कि बेटा तेरे अंदर अगर आग है, बेटा तेरे अंदर अगर तूफान है, तो तुझे कोई नहीं रोक सकता है। और आज खुद के दम पे खड़ा हूं मैं। जिन जिन डायरेक्टरों को सपोर्ट किया, सबने मेरे पीठ पे चूरा भोंका। ऐसे ऐसे डायरेक्टरों को जो आदर्श नगर की, मोतीलाल नगर की खाक छानते थे, घंटा उनको कोई नहीं पूछता था, मेरी फिल्मों से उन्हें पहचान मिली, हिट फिल्में दी अपने बैनर से उनको, और वो यश कुमार की बुराई करते हैं। लेकिन इन बुराइयों से यश कुमार घबराया नहीं, आकांक्षा डरा नहीं, लोगों ने फिल्मों से निकाला, लोगों ने फिल्मों से हटवाया, यश कुमार डरा नहीं, यश कुमार लड़ा, और आज भी लड़ रहा हूं मैं। पर एक जगह बनाई अपनी, और सबको लड़ना चाहिए। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वालों, थोड़ा सा शर्म करो कि लड़कियां इस्तेमाल करने की चीज नहीं होती हैं, सपोर्ट करने की चीज होती है। कभी कोई किसी से, एक्टर से दुश्मनी निकालने के लिए 1-6 महीने के लिए लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेंगे, लेके सार चारों जगह घूमेंगे, 6 महीने में मन भर गया, छोड़ दो लड़की को, गर्लफ्रेंड बनाओ, दोस्त बनाओ, साथ में घुमाओ, मन भर गया छोड़ दो, क्योंकि वो दूसरे की बेटी है, क्योंकि वो दूसरे की लड़की है, आपके घर की नहीं है ना। जब आपके घर की लड़की के साथ कुछ गलत होगा, तब आपको दर्द समझ में आएगा।
मैं तो कहता हूं भगवान ना करें कि वो आपके घर की हो चाहे किसी के घर की हो, किसी भी लड़की को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ देने वाला कौन होता है भाई? क्या तकलीफ होती है कि आकांक्षा दुबे जैसी लड़की अपने आप को सुसाइड कर लेती है और ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां मेंटल डिप्रेशन में जी रही है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। आओगे 6 महीने की दोस्ती करोगे, 1 साल की दोस्ती करोगे, लड़की के सही यूज किया छोड़ दिया, क्या उसकी भावनाएं नहीं है? लोग बोलेंगे कि यश कुमार तुम लेक्चर दे रहे हो, तुम्हारा ये तुम्हारा हो, तो मैं भी बोलता हूं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो यश कुमार को गलत कह दे, क्योंकि सबसे रिस्पेक्ट से मिलता हूं, सबसे इज्जत से मिलता हूं। किसी के साथ ना झूठे कमिटमेंट किए हैं, ना किसी के साथ झूठे वादे किए हैं मैंने। बंद करो ये चटुकारता, बंद करो ये। लोगों को पता है कि उस लड़की के साथ गलत हो रहा है, लोगों को पता है इस लड़की के साथ गलत हो रहा है, फलानी के साथ गलत हो रहा है, ढिमकानी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि चमचों से भरी पड़ी है ये इंडस्ट्री, चमचागिरी से भरी पड़ी है ये इंडस्ट्री। फलाना साहब हैं, फलाना साहब की हम चमचागिरी में जी जान झोंक देंगे, पता है। फलाना साहब आम के पेड़ को कह दें कि ये इमली है तो सब लग जाएंगे, इमली बोला है फलाना साहब ने, सही कहा है घंटा। यही वजह है कि आज भी ये इंडस्ट्री ना चमचों से भरी इंडस्ट्री है, टैलेंटेड लोग नहीं है, और ये इंडस्ट्री आज भी साला स्ट्रगल कर रही है। 15-20 करोड़ रुपए, 15-20 करोड़ भाषा लोग बोलने, 15-20 करोड़ भोजपुरी भाषी लोग हैं जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, और रिकवरी घंटा नहीं चलती है फिल्म में। सब स्टार है, फलाना स्टार, ढिमकाना स्टार, ये स्टार वो स्टार, फिल्म में चल नहीं रही है। ईगो सर पे है, सपोर्ट किसी को नहीं करना है। अरे एक दूसरे का सपोर्ट करो, स्पेशली लड़कियों का सपोर्ट करो, कि किसी लड़की को, किसी बेचारी को आकांक्षा दुबे ना बनना पड़े, किसी बेचारी को फांसी ना लगाना पड़े। बस यही कहूंगा, आकांक्षा बेटा जो कुछ भी किया ना तुमने बहुत गलत किया बेटा। मैं सबसे कहता हूं रिश्ते में नहीं समझ में आता है, नहीं जम रहा है, अलग हो जाओ यार, अलग हो जाओ, पर आत्महत्या मत करो। और लड़कियों में आप लोगों से भी कहता हूं, अगर आपके साथ गलत होता है तो आवाज उठाओ उसके खिलाफ, और जो लोग आपके साथ गलत करते हैं उनसे दूर हो जाओ। मारा पीटी साथ में रह करके डिप्रेशन में आकर के खुद को खुदकुशी कर लेना, मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब हो जाना, ये जिंदगी नहीं है। जो यहां लिखा हुआ है ना वो तुमसे कोई भी माई का लाल छीन नहीं सकता है, और जो यहां नहीं लिखा है ना वो फलाना स्टार, ढिमकाना स्टार, तोप स्टार कोई दे नहीं सकता है। भगवान पे भरोसा करो, ईश्वर के रास्ते पे चलो, भगवान ने जो लिखा होगा वो मिलेगा। कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचो। आज आकांक्षा दुबे तो चली गई, उसकी मां, वो घर का बेटा थी, घर संभालती थी अपना, कौन संभालेगा अब उसका घर? आकांक्षा बेटा मैं तो तुमको हमेशा याद करूंगा, क्योंकि मेरे निर्माता के रूप में पहली मेरी जो फिल्म थी उसकी हीरोइन हो तुम, उस फिल्म से मैंने पहली फिल्म ही हिट फिल्म बनाई थी, तो तुम मेरे लिए लक्ष्मी थी। मेरे लिए हर वो लड़की लक्ष्मी है जो मेरे साथ काम करती है। मैं कोशिश करूंगा बेटा कि सुख दुख में तुम्हारे परिवार के साथ खड़ा रहूं, पर चलते चलते ये कहूंगा कि आकांक्षा वाकई तुमने बहुत गलत किया बेटा। आज वाकई दिल बहुत दुखी है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की। लव यू बेटा, लॉट्स ऑफ लव। जहां रहना ईश्वर तुम्हें अपने कर कमलों में जगह दे। श्रद्धांजलि।